फरमाया मेरे पास एक राज है, वो राज तुम कर लो तुम्हें ताउन नहीं लगेगा। क्या है? कहा मेरे आका ने एक दुआ फरमाई है और दुआ यह है, दुआ यह है कि जो शख्स किसी मुसीबत जदा को देखे और ये दुआ पढ़ ले, अल्लाह मौत तक उसको वो मुसीबत वो परेशानी नहीं देगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिन मब्तलाका बिही व फज़्ज़लनी अला कसीरिन मिम्मन खलका तफ़सीला। पढ़ लो, पढ़ लिए, अब यकीन से पढ़ा, अचानक सुबह पता चला कि ताउन आ गया उस बस्ती में और बंदे धड़ाधड़ मर रहे हैं और वो मुतमैन हैं, उनके घर वाले मुतमैन हैं और लोग आ रहे हैं, हजरत क्या बनेगा? फरमाया मैंने तो वो दुआ पढ़ी है, अब लफ्ज जरा गौर से सुनिएगा, कमाल लफ्ज, मैंने तो वो दुआ पढ़ी है जो जिन रास्तों से आई है उन्हीं रास्तों में जाने के रास्ते भी उसने दुआ ने देखे हुए हैं, इसलिए वह उन्हीं रास्तों में चली गई है और ऊपर जाके कबूल हो गई है। पूछा हजरत जरा वजाहत फरमा दें, समझ नहीं आई। फरमाया वही के रास्तों से आई थी, आसमानों अर्शों से आई थी और उसने वापसी के रास्ते भी देखे हुए हैं। पर मेरे कमली वाले के बोलों ने, कुरान और मसनून दुआओं ने वापसी के रास्ते देखे हुए हैं। तो वो दुआ आई भी ऊपर से थी और ऊपर गई, खुद भी कबूल है और जिसने पढ़ा उसको भी कबूल करा लिया, कहा मुझे कुछ नहीं होगा। और वाकई सारी दुनिया को कुछ हो गया, उन्हें कुछ ना हुआ। इस दुआ की आज भी वही ताकत है, किसी मुसीबत ज़दा को मुसीबत में देखें तो आका का फरमान है, जुबान में पढ़ना, दिल में पढ़ना, ऊंचा ना पढ़ना। अल्लाह मुसीबतों परेशानियों मुश्किलों नाकामियों हालात बीमारियों तरह तरह के अवारिस हादसात से मेरा रब बचाता है। और पढ़ने में एक नीयत जरा बड़ी कर लेना, वो नीयत ये है, सिर्फ अपनी नीयत न करना, अपनी घर वालों की नस्लों की पूरी उम्मत की नीयत कर लेना, जितनी बड़ी दुआ उतना बड़ा अजर, और जितनी बड़ी दुआ उतना बड़ा सिला, जितनी बड़ी दुआ उतनी बड़ी मदद।